हेलो स्टूडेंट, मैं वी के सिंह द सीसीएस एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे मैं आज आप सभी का फिर से वेलकम करता हूँ। जैसा कि हमने ऑनलाइन क्लास के तहत हमने आपकी क्लास 10 की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसका नाम था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में अब तक हमने आपको दो लेक्चर प्रोवाइड करा दिए हैं, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2। तो इन दो चैप्टर लेक्चर में जो कुछ हमने देखा, आज हम उन्हीं लेक्चर के रिवीजन करेंगे। ये रिवीजन हम इसलिए करेंगे क्योंकि हम तक चैप्टर में बने रहें। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो लेक्चर में, ये उनकी फर्स्ट लेक्चर होगी, यानी कि वो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 मिस कर गए होंगे। तो ये लेक्चर उन सभी को ध्यान में रखते हुए लिया गया है ताकि उन्हें सारी बातें समझ में आए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आगे के लेक्चर को। तो सबसे पहले हमने ये देखा था कि लेक्चर 1 में हम देखा था कि केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। हमने आपको पहले ही बताया था कि केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। क्लियर? देन केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ए रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक्स प्लेस बिटवीन रिएक्टिंग सबस्टांस टू फॉर्म न्यू सबस्टांसेस हैविंग इंटेंटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। क्लियर? और हमने फिर देखा था, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, वनली ए रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक्स प्लेस इन ए केमिकल रिएक्शन। तो इस तरीके से हमने केमिकल रिएक्शन को हमने डिफाइन किया था। फिर हमने देखा था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के बेसिकली दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट को देखे हमने कहते हैं रिएक्टेंट, सेकंड पार्ट को प्रोडक्ट। फिर हमने इसके डिफिनेशन को देखा था। फिर हमने केमिकल रिएक्शन के कुछ एग्जांपल देखे थे, जैसे कि मैग्नीशियम के रिबन को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कराते हैं तो किस तरीके से मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद हमने इसके केमिकल रिएक्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। हम जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली 5 होते हैं। कौन कौन से? पहला इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, थर्ड चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन स्टेट। हमने इनके डिफिनेशन को देखते हुए इनके इच के एग्जांपल लिए थे, जैसे कि हम जिंक मेटल को किसी स्ट्रॉन्ग एसिड में डीप कराते हैं तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। वैसे ही जिंक को हम HCl के साथ कराते हैं तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। उसी तरीके से प्रिसिपिटेट वाले एग्जांपल हम देखे थे, जिनकी एग्जांपल आप लेक्चर 1 में देख सकते हैं। तो बेसिकली आज हम एक तरीके से पूरे चैप्टर पे एक समरी रिकॉल करेंगे, जिससे कि हम चैप्टर में बने रहें। उसके बाद हमने सभी के फिर एग्जांपल को हमने देखा था कि जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके बेसिकली कौन कौन से एग्जांपल होते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर 2 में देखे थे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए बेसिकली 4 स्टेप लेते हैं, यानी कि ये कह सकते हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए बेसिकली 4 स्टेप्स होते हैं। तो उन स्टेपों में क्या कहते हैं, फर्स्ट स्टेप में हम उन केमिकल रिएक्शन को वर्ड फॉर्मेट में लिखते हैं, जिसमें करते क्या है, राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन कीपिंग द रिएक्टेंट ऑन द लेफ्ट साइड एंड द प्रोडक्ट ऑन द राइट साइड। यानी कि रिएक्टेंट को हम लेफ्ट साइड रखते हैं और प्रोडक्ट को राइट साइड रख के हम वर्ड फॉर्मेट में केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। और सेकेंड पॉइंट पे हम उसके सिंबल को लिखेंगे, एलिमेंट के सिंबल को शो कराएंगे, पुट द सिंबल एंड फॉर्मूले ऑफ द ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन द वर्ड इक्वेशन। यानी जैसे हमने कहा कि इनके रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में जितने भी सिंबल और फॉर्मूले होते हैं हम उनको रखते हैं। थर्ड स्टेप में हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, जो एलिमेंट सबसे मिनिमम नंबर में होता है उसको बाकी हम रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड से कंपेरिजन करते हैं, फिर देखते हैं कि ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे कि नंबर ऑफ एलिमेंट बोथ साइड यानी कि रिएक्टेंट साइड
या फिर प्रोडक्ट साइड इक्वल हो जाए। और फोर्थ स्टेप में हम अप्लाई करते हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम बेसिकली जब थ्री स्टेप से बैलेंस कर देते हैं तो फोर स्टेप में हम उसके फिजिकल स्टेट को शो कराते हैं, क्योंकि फिजिकल स्टेट किसी भी इक्वेशन का वो पार्ट होता है जो कि हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, जिसे हम इस वर्ड्स में इस तरीके से कहते हैं कि पॉसिबल मेक द इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव बाई इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंज इफ एनी टेकिंग प्लेस इन द रिएक्शन एंड बाय इंडिकेटिंग द कंडीशन। यानी कि फिजिकल स्टेट से रिएक्शन हमें कई इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कराता है कि हीट किस स्टेट में चेंज हो रही है, या हीट लिबरेट हो रही है, या हीट अब्जॉर्ब हो रही है। अंडर विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन हाउ एवर यू डोंट नो हैव सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द फिजिकल स्टेट द हीट चेंज एंड कंडीशन ऑफ द रिएक्शन। और उसके बाद हमने कुछ दो एग्जांपल लिए थे जिसे कि केमिकल रिएक्शन को हम कैसे बैलेंस करेंगे। तो फर्स्ट हाफ में हमने एग्जांपल लिया था मेथेन बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यानी कि जब हम मेथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होता है। इस केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं जो कि हमने लेक्चर टू में आपको बतलाया था। सेकेंड पार्ट है जो क्वेश्चन का, ऑन एडिंग एन इक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू एन इक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट कॉपर हाइड्रोक्साइड इज प्रिसिपिटेट एंड सोडियम सल्फेट रिमेन इन द सोल्यूशन। यानी कि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ऑन एडिंग द इक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के इक्वस सोल्यूशन को हम कॉपर सल्फेट में मिक्स करते हैं तो कॉपर हाइड्रोक्साइड का प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है और सोडियम सल्फाइड का सोल्यूशन में रिमेन्स रह जाते हैं। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि हमने लेक्चर वन और लेक्चर टू में जो कुछ पढ़ा उसका आज हमने लेक्चर थर्ड में उसका रिविजन किया इस तरीके से। और हम आने वाली क्लासों में एक लेक्चर फोर में आगे के पॉइंट को कंसिडर करेंगे। हम उतना ही पढ़ेंगे जितना कि हम इसे देख सकें, हमारे पास टाइम इनफ है, हम जल्दबाजी में सिलेबस को लेकर नहीं चलेंगे। इस तरीके से हम अपने सिलेबस को होल तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं और कभी किसी को कुछ दिक्कत नहीं होगी। और जो असाइनमेंट हमने दिए हैं उन्हें आप एक नोटबुक्स बना के उन्हें सॉल्व करते रहिए, और जब स्कूल रीओपन होगा तो आप हमें उन्हें चेक भी करा सकते हैं। थैंक यू।